राम राम यूट्यूब फैमिली, मैं हवलदार सुभाष फिर से एक न्यू एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, पिछले एक एपिसोड के अंदर हमने कुछ इस प्रकार का सुंदर डिजाइनर चाबुक सोटा किस तरह से तैयार करना है वो डिटेल से देखा, सीखा और समझा है, जिसकी लिंक हमेशा की तरह ऊपर राइट कॉर्नर में और नीचे डिस्क्रिप्शन दोनों जगह दे रखी है। आपको एक बार जाकर देखना चाहिए, बढ़िया से सीखना चाहिए। और उसी एपिसोड के अंदर मैंने कहा था, अगर आप कमेंट्स करते हो, अगर ज़्यादा कमेंट आती है, तो हम इस चाबुक के ऊपर सुंदर डिजाइनर, कलरफुल गोंडा, वो भी अलग तरीके से किस तरह से लगाना है वो सीखेंगे। वैसे कमेंट कुछ ज़्यादा नहीं आई है, फिर भी जिन भाइयों ने कमेंट्स किए, खास उनके कमेंट्स के ऊपर आज का एपिसोड बनने जा रहा है। तो चलिए, इसी बहाने आप सब लोग सीख लीजिए। तो देर किस बात की, बढ़ते आगे और देखते हैं इसके ऊपर गोंडा किस तरह से तैयार करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम इन तीन कलर के उलन के धागों का गोंडा इस चाबुक के ऊपर किस तरह से सेट करना है वो सीखने जा रहे हैं। बताना चाहूंगा, कलर का कोई इशू नहीं, आपकी मनपसंद कलर आप इस्तेमाल कर सकते हो। धागों के साथ साथ हमें चाहिए एक सुई, ये भी दोस्तों मैंने जुगाड़ से बनाई हुई, खराब छाता था मेरे पास और छाते के जो तार आते हैं उसको काटकर, क्योंकि छाते के तार के पीछे इस टाइप का होल होता है, तो बन गया अपनी सुई। और सुई है तो हमें चाहिए एक मजबूत धागा। दोस्तों, ये धागा जूते चप्पल सिलने वाला धागा है, काफ़ी मजबूत होता है, जल्दी खराब नहीं होता है। और गोंडा बनने के बाद उसको कट करने के लिए, उसको आकार देने के लिए चाहिए एक कैंची, बस सामान इतना ही है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम इन तीनों कलर को अपनी चॉइस के हिसाब से एक के ऊपर एक लपेटेंगे। आपके ऊपर दोस्तों कौन सा कलर अंदर रखना है, बाहर रखना है। वैसे मैं शुरुआत करूंगा पीले कलर से, क्योंकि पीला कलर क्या है, चमकीला होता है, वो बीच में रहेगा तो अच्छा दिखाई देगा। शुरुआत कैसे करनी है, ध्यान से देखना है, दो उंगलियां आगे रखनी है, उसके बाद उंगलियों के ऊपर ऐसे पकड़कर लपेटना है। और अगर पॉसिबल है तो आप उसको काउंट कीजिए, कितनी बार लपेटा है, कितनी बार लपेट दिया। उससे क्या होगा, हम लगभग 6 बंडल बनाएंगे तो सभी बंडल एक समान बन जाएंगे। ठीक है, इस टाइप से लपेटते चलना है। तो कोशिश करना इसको काउंट करना है, इस टाइप से लपेट दिया, उसके बाद इस बंडल का जो हिस्सा है उसको काट कर यहाँ से अलग कर देना है। ये हो गया अलग। अब लेते हैं नीले कलर का। अब इसको किस टाइप से लपेटना है, ध्यान से देखना है। कलर को शुरू करना है इसके बाहर तरफ से, यहाँ से ऐसे, तो पीले कलर के बाहर से होते होते ये कलर उसके ऊपर ऐसे चढ़ते रहेगा और चढ़ते चढ़ते दूसरी तरफ भी आ जाएगा। तो इसको पहले दोनों तरफ से कवर करने के बाद क्या होगा, पीला कलर बीच में से हिलेगा नहीं ऐसे, फिर पूरी तरह से इसको ऐसे ऊपर कवर कर देना है, अलग कर देते हैं। ठीक है, और अब बचा सबसे आखिरी वाला कलर, ये लाल कलर, इसको भी सेम नीले कलर के बाहर तरफ से लेना है ऐसे, और यहाँ से लपेटते लपेटते उसको ऊपर तक लपेटना है और पूरे नीले कलर को कवर कर देना है। कलर लपेटने के बाद इसको काट कर इस टाइप से अलग कर देना। अब इस धागे को धीरे धीरे करके उंगलियों से बाहर निकाल लीजिए ऐसे। ठीक है, ये निकल गए बाहर, ध्यान रहे ये ज़्यादा आपस में हिलने नहीं चाहिए, देखिए ऐसे। और ऐसे होने के बाद एक नॉर्मल धागा लीजिए और इसके ऊपर से बांध के रख दीजिए। तो लीजिए, एक गोंडा बनकर तैयार हो चुका है। इसी तरह से और 5 गोंडे चाहिए, तो समय की बचत के लिए मैंने 5 गोंडे पहले बनाकर रख दिए थे, तो इनको करते हैं साइड। और अब लेते हैं चाबुक। अब चाबुक के बीचों बीच हम गोंडा तैयार करेंगे, उसके लिए क्या करना है, सुई और धागा लेना है और धागे का एक सिरा यहाँ मजबूत बांध देना है। तो पहले इसको बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, इस तरह से बाहर निकाल कर बहुत ही मजबूत तरीके से इसको यहाँ बांध देना है ऐसे, ध्यान देकर देखना दोस्तों। ये धागा बांधने के बाद अब सुई को उल्टा पकड़ना है ऐसे, इसके बाद यहां से सुई डालनी है और बाहर निकाल देने। ठीक है, ये देखिए ये सुई बाहर आ गई। और जो पीछे वाला हिस्सा है धागे का, ये वाला हिस्सा जो आगे जा रहा है, देखिए ये वाला हिस्सा ऐसे, इसके अंदर डालना है एक गोंडा। तो गोंडा ऐसे ले लिया, बढ़िया बनाकर इसके बीच में फंसाया और धागा आगे से टाइट करते हुए गोंडे को काफ़ी मजबूत तरीके से इसके ऊपर सेट करना है, खींच कर टाइट करना है ऐसे। ये हो गया एक बंडल सेट। इसी प्रकार से दोबारा सुई को लेना है, सुई को आगे से उल्टा डाल देना है यहाँ से, ठीक है ऐसे, और पीछे तरफ निकलना है। दोबारा देख लीजिए, यहाँ से डाल दिया और बाहर निकाल दिया। बाहर निकलने के बाद ये जो पीछे वाला हिस्सा है ये, इसके बीच में और एक गोंडा लेना है या और एक बंडल लेना है, ठीक है, और बढ़िया से टाइट कर देना है। ठीक दोस्तों, ऐसे देखिए दूसरा बंडल भी टाइट हो चुका है, इसको हल्का घुमाया, दोबारा सुई उठाई। इसी तरह से आपने क्या करना है, ये जितने बंडल है धीरे धीरे सेट करना है। और अपने पास एक ही बंडल बचा हुआ है, 5 लग चुके हैं, तो इनको भी इसके बीच में लगा देते हैं
ऐसे और ये बंडल को उठाया, इसके बीच में लगाना है और धागा बढ़िया से टाइट कर देना है, ठीक है। तो आप देख सकते हो सभी बंडल काफ़ी सुंदर तरीके से लग चुके हैं। अब इस धागे को क्या करना है, यहाँ बढ़िया से गठन लगाकर बांध देना है, मज़बूत बांध देना जिससे ये खुले ना, ठीक है। दोस्तों सभी बंडल को हमने काफ़ी मज़बूत तरीके से बांध दिया है, अब धागे को काटकर अलग कर दे दे इसको, इसका काम ख़त्म हो चुका है। अब लेते हैं कैंची, और कैंची लेने के बाद इसकी कटिंग शुरू करनी है। कटिंग भी काफ़ी ध्यानपूर्वक देखिए दोस्तों कैसे करनी है। तो जैसे बंडल को हमने बीच में बांध दी यहाँ, तो इसके साइड में यहाँ से कट करना है, सिर्फ ऊपर का हिस्सा कट करना है, पूरा नीचे तक कट नहीं करना है, क्योंकि ये यहाँ से कट होके कुछ हिस्सा इस तरफ जाएगा, कुछ हिस्सा ऊपर तरफ आएगा। तो देखिए कट करने के लिए धीरे धीरे करना है, ऐसे ऐसे करना धीरे धीरे, ये कर दिया, ठीक है। ये देखिए इसके बीच वाला हिस्सा ऐसे कट करना है, ऐसे काफ़ी आराम आराम से, जल्दीबाजी नहीं करनी है ये, ठीक है। ये देखिए इस टाइप से कट होके कुछ हिस्सा नीचे और कुछ हिस्सा ऊपर तरफ चल जाएगा। इसी तरह से दूसरी तरफ भी करना है, यहाँ आराम से कैंची को फंसा कर धीरे धीरे ऐसे काटते चलना है। तो काटने का जो तरीका है वो आप समझ गए होंगे, और एक बार देख लीजिए इसको भी काट कर मैं दिखाता हूँ। ये इसको यहाँ से काटना है ऊपर तरफ से ऐसे, फिर इसको यहाँ ऐसे काटना है, ठीक है। दूसरी तरफ किससे भी इसे, तो चलिए इसी तरीके से हम जितने भी बचे बंडल हैं सबको काट कर एक बार दिखाते हैं। तो देख सकते हैं सभी बंडल को हमने काफी सुंदर तरीके से काट कर खोल दिया है, अब बस इसको आकार देना है। तो आकार देने के लिए क्या करना है, कैंची से धीरे धीरे जितने भी धागे उसको काटना है और एक गोल आकार देना है। तो काटते समय आपको धीरे धीरे काटना है, एक साथ नहीं काटना है, तो काटने में समय लग जाएगा। तो चलिए एक बार मैं इसको काट कर एक आकार दे देता हूँ, उसके बाद फाइनली दिखाऊंगा गोंडे का लुक कैसे दिखाई देता है। तो लीजिए दोस्तों काफी मेहनत से कटिंग करने के बाद गोंडा कुछ इस प्रकार से बनकर तैयार हो जाता है। कलर कॉम्बिनेशन देख लीजिए, गोंडे का साइज देख लीजिए, काफी यूनिक तरीका दोस्तों। अगर आपने एपिसोड को पूरा देखा होगा तो गोंडा बनाने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए आज के एपिसोड में मेरे तरफ से बस इतना ही। आपको गोंडा बनाने का तरीका कैसे लगा, वीडियो कैसे लगा, कमेंट्स में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग कंटेंट देखने के लिए, सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पे जरूर क्लिक करना दोस्तों, जिससे क्या होगा भविष्य में आने वाले सभी एपिसोड का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहेगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में इसी तरह की और एक इंटरेस्टिंग रोप टेक्निक के साथ। तब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए, और मेरे साथ बोलिए जय जवान जय किसान।